नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडियन न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। पनोरिया में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम नव चेतना के रूप में मनाया गया। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पूर्व राज्य मंत्री श्री गफूर अहमद की अध्यक्षता में सरपंच माला राम विश्नोई के मुख्य आतिथ्य में CBO प्रवीण भूषण के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बारहवीं की छात्राओं को विदाई दी गई। चौटन विधायक पद्मा राम मेघवाल की ओर से विधायक कोष से 10 लाख रुपए की विद्यालय में घोषणा की गई। सत्र भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पारितोषक देकर सम्मानित किया गया। भामाशाहओं का सम्मान किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने एकल नृत्य, भाषण, कविता, कहानियां, नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का मन मोह लिया। पनोरिया से आसुदान की रिपोर्ट। मैं अशोक कुमार बिश्नोई, स्थानीय विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनोरिया क्षेत्र में वार्षिक उत्सव 19-20 धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद एवं हमारे CBO प्रशांत भूषण एवं स्थानीय सरपंच मालाराम बिश्नोई और यहाँ के स्थानीय PO श्री जताराम बिश्नोई ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जहाँ पे पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया गया। वार्षिक उत्सव के अंदर स्थानीय कक्षा 12 के विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया, सभी भामाशाह का सम्मान किया गया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।